रॉयल इनफील्ड की टैगलाइन जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे पूरी तरीके से अपने ब्रांड की पावर को डिफाइन करती है। रॉयल इनफील्ड जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड क्लास पावरफुल बाइक्स बनाती है जो कि ग्लोबली पूरी दुनिया में पॉपुलर है। रॉयल इनफील्ड प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है जिसकी बाइक्स का क्रेज एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए इतना है कि वो लोग बुलेट चलाने को अपनी शान का एक हिस्सा मानते हैं। बट शुरुआत रॉयल इनफील्ड की इतनी भी रॉयल नहीं थी। एक टाइम तो ऐसा भी था जब ये कंपनी रेगुलर लॉसेस के कारण बैंकक्रप्ट होकर बंद होने की कगार पर आ गई थी और ठीक उसी समय 1994 में इस कंपनी को इंडियन कंपनी आइशर मोटर्स ने खरीद लिया जो कि आगे चलकर आइशर ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए एक गलत डिसीजन साबित हुआ, जहां रॉयल इनफील्ड महीने की 2000 बाइक्स भी मुश्किल से बेच रहा था। इस ड्रॉप के दो बड़े रीजंस थे। पहला रीजन, जब इन्होंने बुलेट बाइक मैन्युफैक्चरर रॉयल इनफील्ड को एक्वायर करा था ठीक उसी समय इंडिया में जापानीज टू व्हीलर कंपनीज की एंट्री हुई थी जो कि एक टफ कंपटीशन था रॉयल इनफील्ड के लिए। उस टाइम रॉयल इनफील्ड 15 सेक्टर्स में फैली हुई थी जिसके कारण कंपनी का जो फोकस था वो बार बार डाइवर्ट हो रहा था। कंपनी के अच्छे दिन शुरू हुए 2004 में जब सिद्धार्था लाल को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया। सिद्धार्था लाल कौन है अब? सिद्धार्था लाल वो है सिर्फ और सिर्फ जिन्हीं के विजन और हार्डवर्क के कारण आज रॉयल इनफील्ड बैंकक्रप्ट होने की कगार से उठकर $1.5 बिलियन के अराउंड का ईयरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सिद्धार्था लाल इज क्लियरली द मैन बिहाइंड रॉयल इनफील्ड्स एग्रेसिव कमबैक एंड फास्ट सक्सेस। अब ये जानते हैं कि सिद्धार्था लाल ने आते ही ऐसा क्या कर दिया कि उनकी टू व्हीलर्स की सेल अचानक से सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने लगी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी थी वो ये थी कि कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि कस्टमर्स क्यों बाइक नहीं खरीद रहे हैं, उन्होंने खुद ने कई किलोमीटर तक बाइक को चलाया। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे करके उन्हें बाइक्स के सभी फॉल्ट्स दिखने लगे जैसे कि लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, चीप पार्ट्स, लेस पावरफुल देन दे प्रॉमिस एक्सेट्रा। सभी फॉल्ट्स को राइट डाउन करने के बाद उन्होंने फिर एक एक करके यूके, यूएसए एंड ऑफ कोर्स इंडिया और भी कई जगहों से बेस्ट इंजीनियर्स को हायर करा और इस तरीके से क्वालिटी पर काम करना चालू करा कि उनकी बाइक्स की जो ऑथेंटिक फील थी वो भी ना जाए और बाइक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी एनेबल्ड हो जाए। ऐसा होते ही जब धीरे धीरे उनकी बाइक्स की क्वालिटी बढ़ी, बाइक्स की क्वालिटी के साथ साथ उनकी सेल्स भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट फॉल्ट उन्होंने ये पकड़ा कि कंपनी की सेल्स का डाउनग्रेड जाने का कारण कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या फिर सेल्स लाइन नहीं है। सब कुछ ठीक था, उनके आने से पहले भी कंपनी झटपटा रही थी सेल्स करने के लिए, मतलब एफर्ट्स तो पूरे लग रहे थे मगर दिक्कत उन्होंने ये नोटिस करी कि जो एफर्ट्स थे वो गलत डायरेक्शन में लग रहे थे। व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस इज, उस समय हुआ क्या था, बाइक्स की सेल्स के डाउनफॉल के कारण कंपनी बार बार ये डिसीजन ले रही थी कि कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं वरना सस्टेन कैसे करेंगे। तो इस चक्कर में हर बार सेल्स के डाउन जाने पर कंपनी कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ला देती थी और किसी न किसी नए सेक्टर में घुस जाती थी। इसी कारण से कंपनी एट दैट टाइम 15 से भी ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाने लगी थी। यू वोंट बिलीव, कंपनी उस समय ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, मोटर पार्ट्स, इवन फुटवेयर्स और इवन गारमेंट्स भी बना रही थी। गारमेंट्स मतलब रॉयल इनफील्ड के कपड़े, साउंड्स वियर्ड। सिद्धार्था लाल ने आते ही क्या करा, सबसे पहले 15 SKUs में से 13 का प्रोडक्शन बंद कर दिया। SKUs जिन्हें नहीं पता, स्टॉक कीपिंग यूनिट, दैट मींस कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, तो इससे हुआ क्या, 15 में से 13 गए, मतलब जो 2 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बचे थे वही कंपनी की रियल स्ट्रेंथ और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे। कंपनी हर एक जगह से अपना ध्यान डाइवर्ट करके सिर्फ उन 2 प्रोडक्ट्स के मार्केट में कैसे टॉप किया जाए सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचने लगी। इससे हुआ क्या, कंपनी अपनी वीकनेसेस पे काम करके टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करने पे फोकस करने लगी, जिससे कंपनी का स्ट्रक्चर सुधरा और रिसोर्सेज का एलोकेशन भी अच्छी तरीके से होने लगा। आपको याद आ रहा हो तो ऐसा ही कुछ एप्पल में स्टीव जॉब्स ने भी किया था। जब स्टीव जॉब्स को कंपनी के बोर्ड से साजिश करके बाहर निकाल दिया गया था, डाइवर्शन के चक्कर में एप्पल भी मोर देन 150 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने लगी थी। और जब स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया एप्पल के लॉस में जाने के कारण, स्टीव जॉब्स ने भी पहला काम यही करा था, मोर देन 95% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद करके सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ, अपने हीरो प्रोडक्ट्स पे काम करना चालू करा। खैर, बैक टू द टॉपिक, सिद्धार्था लाल के पैशन और डेडिकेशन की वजह से ही कंपनी की सेल्स आज हर साल बढ़ते ही जा रही है। यू कैन सी द चार्ट्स ऑन द स्क्रीन, 2013 से 2019 तक देखो कंपनी कैसे रिवाइव हो रही है। और तो और आइशर मोटर्स का भी शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 2013 के आसपास से कितना बड़ा है। हर साल रॉयल इनफील्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले साल से ज्यादा पैसा कमा कर दिया है। अब देखो नाइकी ब्रांड को तो आप सब जानते होंगे ना, जब मार्केटिंग की बात आती है नाइकी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में से एक है। नाइकी की सारी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे एक केस स्टडी हमने बनाई है, गारंटेड बहुत कुछ सीखेंगे आप इस वीडियो से। स्क्रीन पर वीडियो है, कुछ मत सोचो, जस्ट क्लिक एंड वॉच।